हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर रवि अग्रवाल, अ न्यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट ऑल्ट्रिज्म स्केल। ये टेस्ट भी जो सेल्फ रिपोर्ट ऑल्ट्रिज्म स्केल है, ये डॉक्टर जे के विर्क जो कि कुशेत्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर बी आर चौहान जो कि करनाल से हैं और गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट के अंदर भी उन्होंने एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया है और इस वक्त राइट नाउ वो कुशेत्रा के अंदर है। तो इन दोनों ने मिलकर सेल्फ रिपोर्ट ऑल्ट्रिज्म स्केल को बनाया और 2003 के अंदर इसे पब्लिश किया और आजाद पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति कितना परोपकार है, कितना किसी की हेल्प करता है, तो उसकी रिगार्डिंग हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट के अंदर हमारे पास ये मैनुअल होता है, देन मैनुअल के बाद हमारे पास कुछ इसमें परफॉर्मे हैं। परफॉर्मे हमारे पास इस तरीके से आते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे पास है जिसको हम लेकर आए हैं, पहले हम उसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बनाते हैं, देन उसको रिलैक्स करवा कर जब वो आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड में होता है तब हम उससे उसकी डिटेल्स पूछना शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद हम उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं। इस टेस्ट में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछला टेस्ट भी जो हमने किया था, दैट इज वॉर एटीट्यूड स्केल, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसे देखना चाहें, उसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं और ये टेस्ट भी 5-पॉइंट स्केल के ऊपर है। 5-पॉइंट स्केल का मतलब है कि कभी नहीं नंबर वन पे है, एक बार नंबर टू पे है, कुछ बार नंबर थ्री, देन अनेक बार फोर एंड ट्राई फाइव, यानी 5-पॉइंट स्केल के ऊपर ये टेस्ट जो है बनाया गया है। और हम जिससे भी क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, जैसे सबसे पहला है मैंने सहायतार्थ संस्था को दान दिया, कि जो संस्था सहायता करती है मैंने उसको दान दिया। अब जो सब्जेक्ट है इट मे बी पॉसिबल वो बोल सकता है जी कभी नहीं, मैंने अभी तक किसी को दान ही नहीं किया, देन एक बार किया था दान, बार बार कुछ बार मैंने दान किया, देन अनेक बार किया और प्राय में करता ही रहता। तो डिपेंडिंग ऑन जो उसके दिमाग में फर्स्ट रिस्पॉन्स आया उसने उस रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक कर दिया। तो लाइक दैट वी परफॉर्म 20 क्वेश्चंस ऑन आवर सब्जेक्ट। जैसे सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं कि मैंने जरूरतमंद अजनबी को कुछ पैसे दिए, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति मेरे पास आया मैंने उसको पैसे दिए। अब कोई बोल सकता है जी मैंने कभी नहीं दिए, कोई बोल सकता है जी एक बार दिए, कुछ बार दिए, अनेक बार दिए, प्राय दिए, डिपेंडिंग ऑन कि उसने ये कैसे किया। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट आके बैठता है हम उसे यही बोलते हैं कि इस टेस्ट में कोई भी चीज गलत या सही नहीं, आपने अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपने एक्सपीरियंस किया है अभी तक और जो आपकी मेंटेलिटी है उसके बेस के ऊपर जो कुछ फर्स्ट आपके दिमाग में आए आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो सब्जेक्ट क्या करता है, इस 20 क्वेश्चंस को परफॉर्म कर, जैसे ही वो 20 क्वेश्चंस को परफॉर्म कर ले हम उससे परफॉर्मा ले लेते हैं और अब हमारा यानी एज ए साइकोलॉजिस्ट और या साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वर्क स्टार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल को लेते हैं, मैनुअल के पेज खोलते हैं और जहां पर स्कोरिंग मेंशन्ड है, जैसे इस प्रैक्टिकल के अंदर जो ये मैनुअल है, इस मैनुअल के 10th नंबर पेज के ऊपर इसकी स्कोरिंग मेंशन की हुई है। हम यहाँ पर 10th नंबर पेज निकालते हैं, और जब 10th नंबर पेज में इसमें स्कोरिंग में जो चीज मेंशन की हुई है स्कोरिंग, हम उसको कवर अप करने की कोशिश करें। दैट इज 10th नंबर पेज पे स्कोरिंग मेंशन की गई है, इन्होंने इसमें क्लियर मेंशन किया है इस मापने की फलांकन विधि बिल्कुल आसान है, इसमें कभी नहीं के लिए 1, एक बार के लिए 2, कुछ बार के लिए 3, अनेक बार के लिए 4 और प्राय के लिए 5। तो जब हमारा परफॉर्मा था उसमें भी यही था, यानी कि सबसे पहले था कभी नहीं और लास्ट में था प्राय, यानी वी हैव 5-पॉइंट ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले के लिए 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, तो लाइक दैट हमने 5 तक उसकी स्कोरिंग करनी है। अब हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने पिछले टेस्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि हमें यह चेक करना होता है कि एक क्वेश्चन का मिनिमम स्कोर कितना है और मैक्सिमम स्कोर कितना है।
यहां पर मिनिमम स्कोर आ गया 1 और मैक्सिमम स्कोर आ गया 5. वी हैड 20 क्वेश्चन. तो होल टेस्ट के अंदर मिनिमम स्कोर कितना चला गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20. मैक्सिमम स्कोर कितना चला गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 100. यानी हमारा जो स्कोर वेरी करेगा दैट इज 20 to 100 के बीच में वेरी करेगा. अगर बाय चांस एग्जामिनर आता है और वो हमारे से क्वेश्चन करता है कि आप बताइए कि स्कोर 10 चला गया या 120 चला गया, 150 चला गया या 0 चला गया, तो क्या स्कोरिंग हो, तो हमारा रिजल्ट आंसर क्या रहेगा, हम उनको यही बताएंगे कि सर इस क्वेश्चनियर के अंदर इसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे तो 0 या 10 हो ही नहीं सकता, मिनिमम स्कोर 20 है. और इसी तरीके से मैक्सिमम 120 या 150 भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम स्कोर 100 है. तो जब हम इसकी स्कोरिंग हमने किसकी कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे इसकी. और जो इसका टेबल है वो यहां पे दिया हुआ है, दैट इज वेरी हाई ऑल्ट्रिज्म लेवल. एस को हम इसमें लेवल के बेस के ऊपर लेकर चलेंगे कि उसका ऑल्ट्रिज्म लेवल क्या है. अब यहां पे 81 प्लस दिया हुआ है. 81 प्लस का मतलब कि ये मैक्सिमम 100 तक जाएगा. सिमिलरली हाई ऑल्ट्रिज्म स्केल 61 टू 80, मॉडरेट 41 टू 60, लो 21 टू 40 एंड वेरी लो 20. तो हमारे पास जो भी स्कोर आएगा, सब्जेक्ट ने क्वेश्चन को फिल किया, मान लीजिए उसका स्कोर 46 आता है. यहाँ पे मेल और फीमेल का एडिटिस कोई वो नहीं है, दोनों के लिए उन्होंने एक ही टेबल बनाया है. अगर 46 स्कोर आता है दैट्स मीन वो मॉडरेट में आता है. अगर स्कोर 98 आता है तो वेरी हाई में चला जाएगा. अगर उसका स्कोर 20 आता है तो वेरी लो में चला जाएगा. अगर 25 है तो लो में चला जाएगा. तो लाइक दैट हमारे पास जो भी स्कोरिंग होगी हम उन स्कोरिंग को इसके अंदर मेंशन करते चलेंगे. जैसे मैंने यहां पर टेबल भी बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशल, कि जिसके अंदर 5-point स्केल की कभी नहीं, एक बार, कुछ बार, अनेक बार और प्राय, जिसके अंदर स्कोरिंग 1, 2, 3, 4, 5 रहने वाली है. मिनिमम स्कोर 1 क्वेश्चन का 1 है, मैक्सिमम स्कोर 1 क्वेश्चन का 5 है. तो होल टेस्ट में मिनिमम स्कोर कितना रह गया? 20 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 100. और हम लोग क्या करेंगे इसका टेबल के अंदर, क्योंकि वहां पर एस लिखा हुआ था तो हमने इसमें ऑल्टरेशन लेवल मेंशन कर दिया है हर एक के अंदर. इट्स अ एप्रोप्रिएट वर्ड जिसको हम कह सकते हैं कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऑल्टरेशन लेवल को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जब हम इसको यहां पर ऑल्टरेशन लेवल लिख दिया तो हमारे पास स्कोर बन गया. तो हम एक ग्राफ को डिजाइन करेंगे. ग्राफ को कैसे डिजाइन करेंगे, हमने क्या करना है कि 0 टू एक्स यहां तक 20 हम क्वेश्चंस ले लेंगे. यहां पर रॉ स्कोर ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5. क्यों हम 1, 2, 3, 4, 5 स्कोर क्यों लेंगे, क्योंकि वी हैव 5-point स्केल और यहां पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने यहां पे 20 लिया है. और एक बात हमने ध्यान रखनी है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो नीचे वाली लाइन यानी एक्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास मिनिमम स्कोर क्वेश्चन का 1 है और मैक्सिमम 5 है. तो ये 5 की रेंज में और 1 की रो में ही रहेगा, इससे ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा. तो लाइक दैट आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ 20 तक बन जाएगा. एक बात का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे बीच में एरो बनाया, वो मैंने इसलिए बनाया कि मेरे को पूरा 6, 7, 8, 9, 10 ना लिखना पड़े जब आप ग्राफ बनाएंगे. तो आपको 20 पॉइंट्स पूरे लेने हैं, आपने ग्राफ पेपर लेना है, देन आप मेंशन करेंगे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है. तो लाइक दैट आपका ये पूरा का पूरा टेस्ट खत्म हो जाता है. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये टेस्ट जो है दैट इज सेल्फ रिपोर्ट ऑल्ट्रिज्म स्केल, बेसिकली ये चेक करने के लिए बनाया गया है कि किसी का परोपकारी लेवल कितना है, ऑल्ट्रिज्म लेवल कितना है. और ये डॉक्टर जे के विर्क और डॉक्टर बी आर चौहान ने मिलकर बनाया था, 2003 में बनाया था, आजाद पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया था. इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 स्कोरिंग के ऊपर चलती हैं. और सबसे बड़ी बात कि मिनिमम स्कोर इस पूरे टेस्ट के अंदर जो है वो 20 रहने वाला है और मैक्सिमम स्कोर इसके अंदर 100 रहने वाला है. देन मेल और फीमेल के लिए उन्होंने एक ही टेबल दिया है जो कि पेज नंबर 10 में है, जो कि आपके पास यहाँ पर नजर आएगा. और मैंने यहाँ पर शो भी किया है आपको कि दैट इज द टेबल जिसके अंदर कि वेरी लो ऑल्ट्रिज्म है तो 20, लो ऑल्ट्रिज्म लेवल है तो 21 to 40, मॉडरेट ऑल्ट्रिज्म लेवल है 41 to 60, हाई ऑल्ट्रिज्म लेवल है 61 to 80 एंड वेरी हाई ऑल्ट्रिज्म लेवल है 81 to 100. मैंने उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, मेरी डिटेल्स मेंशन है, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं
या मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर जरूर हेल्प करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।